नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्ष और आप देख रहे हो प्रोएक्टिव टेक्निकल। और आज के वाले वीडियो एकदम खास होने वाले हैं क्योंकि मैं लेके आप सभी के लिए प्रोएक्टिव न्यूज, जो कि हमारी सीरीज है जिसके अंदर हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स को लेकर के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर पहली प्रोएक्टिव न्यूज से, जो कि निकल के सामने आ रही है एप्पल की तरफ से। आईफोन 12 सीरीज हाल ही में लॉन्च हुई, आप सभी जानते हो 12 सीरीज के अंदर 12 प्रो और प्रो मैक्स की डिस्प्ले हमें वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसे में ही हमें आईफोन 12 की जो स्क्रीन है उसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है और कुछ एक पीसीज के अंदर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें कुछ फ्लिकर्ड स्क्रीन देखने को मिल रही है, साथ ही में ग्रीन टिंट भी देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन में। और अगर हम बात करते हैं ग्रीन टिंट की, तो ग्रीन टिंट हमें पहले OnePlus 8 और OnePlus Nord में भी देखने को मिला था। यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये जल्दी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे में एप्पल ने भी ये बताया है कि आप अपने स्मार्टफोन को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेट कीजिए, ऐसे में आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि iOS 14.3 के बीटा वर्जन पर भी अपडेट करने के बाद उन्हें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और साथ ही में यूजर्स का ये कहना है कि ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब हम अपनी ब्राइटनेस को 90% से कम करते हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है ओप्पो की तरफ से। और ओप्पो के अपकमिंग डिवाइस ओप्पो फाइंड एक्स 3 के अंदर हमें ट्रू 10-बिट कलर्स देखने को मिलेंगे, और ये हमें कैमरा के अंदर और साथ ही में डिस्प्ले के अंदर भी देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में ये बनने वाला है पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसके अंदर हमें नेटिव 10-बिट डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही में ये स्मार्टफोन हमें अगले साल यानी कि 2021 के अंदर लॉन्च देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। और यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर हमें एक नया फीचर देखने को मिलेगा, और फीचर ये है कि जब हम अपनी वीडियो को भेजेंगे दूसरे पर्सन के पास में या फिर अपने स्टेटस पर अपलोड करेंगे, तो वहां पर हमें म्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यानी कि आवाज है जो वीडियो की उसको हम म्यूट कर सकते हैं वीडियो को दूसरे पर्सन के पास भेजते टाइम या फिर अपने स्टेटस लगाते टाइम। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो भी निकल के सामने आ रही है गूगल की तरफ से। और गूगल की जो हमें फोन ऐप देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि ट्रू कॉलर का एक ऑल्टरनेट है, जिससे हम कॉलर की आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं और स्पैम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी ऐप का जो आइकन है उसको कलरफुल बनाने वाला है, जैसा कि हमने पहले भी गूगल की सारी ऐप्स के अंदर देखा, जीमेल के अंदर, ड्राइव के अंदर, गूगल की जितनी भी ऐप है सब में हमने देखा कि कलरफुल हमें आइकन्स देखने को मिल रहे हैं। और अब गूगल की जो फोन नाम से ऐप है उसको गूगल कॉल्स के नाम से बदलने वाला है, यानी कि गूगल कॉल्स के नाम से हमें ये देखने को मिलेगी, और साथ ही आइकन हमें कलरफुल देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग की अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज की हमें स्पेसिफिकेशंस लीक देखने को मिल रही है, और ये ऑनलाइन स्पेसिफिकेशंस लीक हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये स्मार्टफोन हमें अगले साल जनवरी या फरवरी के महीने में लॉन्च देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं इन्हीं लीक स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पर हमें हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट का पता लगता है 120 हर्ट्ज की। साथ ही में पता लगता है कि इसी सीरीज के अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 प्रोसेसर देखने को मिलेगा या फिर हमें एक्जीनोक्स 2100 देखने को मिलेगा। हालांकि ये डिपेंड करेगा रीजन के ऊपर, यानी कि इंडिया के अंदर एक्जीनोक्स 2100 प्रोसेसर आने वाला है, साथ ही में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 जाने वाला है बाहर की कंट्रीज के लिए, यानी कि यूएस जैसी कंट्रीज के अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेन हाईलाइट की, तो यहाँ पर S21 प्लस के अंदर हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेंगे 64 मेगापिक्सल के टेलीफोटो कैमरा के साथ में। और जो हमें S21 अल्ट्रा देखने को मिलेगा उसके अंदर हमें प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है शाओमी की तरफ से। और शाओमी ने इंडिया के अंदर अपना फास्ट चार्जर 33 वोल्ट का लॉन्च कर दिया है। पहले हमें 27 वोल्ट का ही फास्ट चार्जर देखने को मिलता था, जो कि रेडमी K20 प्रो के साथ में लॉन्च किया था इंडिया के अंदर। लेकिन अब हाल ही में लॉन्च किया है यही Mi 33 वोल्ट सोनिक चार्ज, जिसकी इंडियन प्राइसिंग हमें 999 इंडियन रुपीज देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग की तरफ से हमें उनके अपकमिंग फोल्ड स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3 की कुछ लीक्स देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं लीक्स से हमें पता लगता है, और ये रिपोर्ट्स जो है वो हमें देखने को मिली है साउथ कोरिया से। साथ ही हमें पता लगता है कि इसी सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3 के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि मेजर अपग्रेड होने वाली है इसी सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड सीरीज के अंदर।
और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही सैमसंग की तरफ से। और यहाँ पर सैमसंग ने डिसाइड किया है गूगल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए अपने 2020 के स्मार्ट टीवीज के अंदर, यानी कि 2020 के जो स्मार्ट टीवीज हैं उनके अंदर अब से हमें गूगल का भी असिस्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। पहले से ही हमें बिक्सबी और साथ ही में एलेक्सा के सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें तीनों ही सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी कि गूगल का सपोर्ट भी अब से देखने को मिल जाएगा। तो आप जिसको यूज करना चाहते हो अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है एप्पल की तरफ से। और यहाँ पर एप्पल ने टेस्टिंग शुरू कर दी अपने फोल्डिंग स्मार्टफोन की, और ये फोल्डिंग स्मार्टफोन हमें आई फोल्ड या फिर एप्पल के फोल्डिंग आईफोन के नाम से देखने को मिल सकते हैं। और ये लॉन्च होने वाला है 2022 के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली सितंबर 2022 के अंदर ये लॉन्च हो सकता है। और यहाँ पर सैमसंग से हमें ये एक स्टेप अहेड देखने को मिलेगा, यानी कि ड्यूरेबिलिटी के मामले में सैमसंग से हमें काफी आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्क्रीन और हिंज के ऊपर मेन जो फोकस है वो होने वाला है, क्योंकि जो हिंज है वो हमें देखने को मिलेगी उसी प्रोवाइडर से, उसी सप्लायर से जो कि मैकबुक की हिंज बनाता है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। जहां पर देखने लायक बात ये होगी कि कौन सी डिस्प्ले का इस्तेमाल करता है एप्पल, क्या हमें ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी या फिर हमें माइक्रो एलईडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अब तक कंफर्मेशन नहीं है डिस्प्ले को लेकर के, लेकिन सैमसंग की अगर हम फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो या तो हमें हिंज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है या फिर हमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है सेंसरशिप रूल को लेकर के, जो कि हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान को छोड़ सकती है गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी टेक जाइंट्स या फिर कहा जाए तो सोशल मीडिया जाइंट्स, और ये अब से हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इसके ऊपर बात चली हुई है। अगर हम बात करते हैं इसी के पीछे के रीजन की, तो यहाँ पर जो रीजन हमें देखने को मिल रहा है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये चाहती है कि कम से कम एक ऑफिस होना चाहिए जो कि हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिले इन्हीं कंपनीज का, यानी कि फिजिकल अवेलेबिलिटी चाहती है इन्हीं के ऑफिस के थ्रू। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही तमिलनाडु से। और यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग इन्वॉल्वमेंट हमें बैन देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर कोई ऑपरेट करता है कॉमन गेमिंग हाउस तो 10,000 का फाइन और साथ ही में 2 साल की जेल तक देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेन रीजन की, तो बैटिंग और सुसाइड ही दो हमें मेन रीजन देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले हमें ऑनलाइन गेम्स भी बैन देखने को मिले थे। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भी ये लेटेस्ट टेक अपडेट्स पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आता रहता हूं।